हे गाइस, आपका फिर एक बार स्वागत है आज की इंटरेस्टिंग और अमेजिंग गैजेट से भरे वीडियो में, जिसमें आप देखेंगे आरसी लिजर्ड वायरलेस ईयरबड और एक ऐसा अलार्म जो आपको नींद से उठाकर ही रहता है। साथ ही सुपरमैन लवर्स के लिए हम लेकर आए हैं सुपरमैन लोगो लाइट। और बस इतना ही नहीं, इस वीडियो में कुल मिलाकर 10 गैजेट्स और मौजूद हैं जिन्हें आप काफी रीजनेबल प्राइस में amazon.in से खरीद सकते हो। तो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए आखिर तक। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साइड में आने वाले बेल आइकॉन को भी ऑल पर रख लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वायरलेस ईयरबड। अगर आप वायरलेस ईयरबड के शौकीन हैं तो आपके लिए है अपोलो 7 ट्रू वायरलेस ईयरबड। और हाँ, अपोलो टायर नहीं। खैर, तो ये ईयरबड्स दुनिया के मोस्ट कॉम्पैक्ट और ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हैं, जो आपके कानों में आसानी से फिट हो जाते हैं। साथ ही इसके केस को स्लीक एल्यूमिनियम मटेरियल से बनाया गया है, जिसमें लिथियम पॉलीमर की बैटरी इनबिल्ट होती है, जिसमें आप इन ईयरबड्स को रखने के साथ ही साथ उन्हें चार्जिंग भी कर सकते हैं। और ये बड्स पूरी तरह से नैनो वाटर प्रूफ टेक्नोलॉजी पर कोडेड होते हैं, मतलब आप इन्हें पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको इन ईयरबड्स पर क्लिक करके उन्हें पावर ऑन करना होगा। साथ ही आपको अपने मोबाइल से इन ईयरबड को ब्लूटूथ की मदद से कनेक्ट कर देना होगा, जिसके बाद आप इसमें गानों को हाई क्वालिटी ऑडियो आउटपुट और अच्छे खासे बेस के साथ सुन पाएंगे। साथ ही आप इन ईयरबड पर दिए गए बटन को क्लिक करके वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं और म्यूजिक ट्रैक को स्किप कर सकते हैं और कार ड्राइविंग के दौरान कॉल्स को रिसीव करके आसानी से बात कर सकते हैं। क्लॉकी। आप अलार्म क्लॉक का तो यूज करते ही होंगे, लेकिन क्या आप अलार्म सेट किए हुए टाइम पर उठ जाते हैं? काफी लोगों का तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब अलार्म बजने लगता है तो वो उस अलार्म को ऑफ करके फिर से सो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस क्लॉक को अपने टेबल पर रखेंगे तो ये क्लॉक आपको अलार्म सेट किए हुए टाइम पर नींद से उठा कर ही रहती है, क्योंकि ये कोई मामूली सी क्लॉक नहीं है, बल्कि ये एक पहियों वाली क्लॉक है। और आप सोच रहे होंगे कि क्लॉक में भला पहियों की क्या जरूरत है? तो गाइस, एक्चुअल में ये क्लॉक आपको अलार्म रिंग से तो उठा ही देती है, जिसके बाद आपका मन करेगा कि अलार्म बंद करके फिर से सो जाएं। लेकिन इस क्लॉक के होते हुए आप एक बार उठने के बाद फिर से सो नहीं पाएंगे, क्योंकि ये क्लॉक अलार्म होते हुए आपसे दूर भागने लग जाती है, जिसे पकड़ते हुए आपकी पूरी नींद गायब हो जाती है। तो आपका क्या कहना है इस क्लॉक के बारे में, हमें प्लीज कॉमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिए। आरसी लिजर्ड। गाइस, क्या आप लिजर्ड के साथ खेलना चाहेंगे? आपका कहना होगा नहीं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं असली लिजर्ड की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं एक आरसी लिजर्ड रोबोट की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, जो आपके साथ एक असली लिजर्ड की तरह ही बिहेव करता है। वैसे तो अगर आप इसे खरीद भी लेते हैं तो ये अनअसेंबल्ड होता है, जिसे आपको खरीदने के बाद खुद से ही असेंबल करना होता है, जो कि कोई मुश्किल सा काम नहीं, क्योंकि इसके साथ आपको दिया जाता है इसका इंस्ट्रक्शन पेपर, जिसे देखकर आप इस लिजर्ड को आसानी से असेंबल कर सकते हैं। तो आपको इसे पूरी तरह से असेंबल करने के बाद इसमें आपको 4 AAA बैटरीज को इंस्टॉल करना होगा। तो अब चलते हैं इस लिजर्ड के फीचर्स की तरफ। तो गाइज, इसमें आपको 2 मोड्स मिलते हैं, जो कि है पहला फॉलो मी, जिसे एक्टिवेट करके आप इस लिजर्ड को अपने हाथ के पीछे फॉलो करवा सकते हैं कुछ इस तरह से। और दूसरा होता है एस्केप मोड, जिसे ऑन करने के बाद लिजर्ड आपसे दूर भागने लग जाता है। और हाँ, ये दोनों मोड्स पूरी तरह से चलते हैं इसमें इनबिल्ट हुए मैकेनिज्म और स्मार्ट सेंसर्स की मदद से। तो गाइस, आपको ये आरसी लिजर्ड कैसा लगा हमें प्लीज कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिए। नी ब्लेड्स। क्या आपको लगातार अपने घुटनों को टैग कर काम करना पड़ता है? अगर हाँ, तो आपके लिए है कमाल के नी ब्लेड्स। और हाँ, कटिंग ब्लेड नहीं, बल्कि ये एक तरह के नी स्केट्स होते हैं, जिसमें 3 छोटे छोटे मजबूत व्हील्स लगे होते हैं, जिसे आप टाइल्स इंस्टॉलेशन, वुड फ्लोर्स, कारपेंटरिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे सेटअप करना भी काफी आसान है। आपको पहले इसके बेल्ट को अपने घुटनों पर पहनकर उन पैड्स को उस बेल्ट पर अटैच कर देना होगा, जिसके बाद ये नी ब्लेड्स आपके काम को आसान करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। मनी सेविंग पिगी बैंक। गाइज, इसे देखकर आपको कुछ जरूर याद आया होगा, अगर नहीं तो हम आपको बता ही देते हैं। तो गाइज, बचपन में हम इसी तरह के पिगी बैंक्स में कॉइन्स को रखकर बटन को दबाने पर उसमें से एक छोटा सा डॉग या फिर बिल्ली आकर उस कॉइन को अंदर ले जाती थी।
जिसे कि पैसों को सेव करने के साथ ही साथ काफी मजा भी आता था। खैर, तो आज की इस वीडियो में हम इस पिगी बैंक को इसलिए लेकर आए हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इस तरह के पिगी बैंक्स गिफ्ट करके अपने बच्चों को पैसों को सेव करने की आदत डाल सकें। खैर, तो चलिए अब देख लेते हैं इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बस इसे बॉक्स से अनबॉक्स करके इसके बेस में आपको 2 AA बैटरीज को इंस्टॉल करना होगा। साथ ही आपको इसे बटन के थ्रू पावर ऑन भी करना होगा, जिसके बाद जैसे ही आप इस पिगी बैंक पर कॉइन रखकर उसे प्रेस करेंगे तो उस बॉक्स में से चुपके से बिल्ली आकर उस कॉइन को अंदर ले जाती है, कुछ इस तरह से। और अगर आप स्टोर हुए कॉइन्स को बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको सिंपली इसके बेस में दिए गए कैप को रिमूव करना होगा, जिसके बाद आप उसमें स्टोर हुए सारे कॉइन्स को बाहर निकाल सकते हैं। खैर, तो अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ चुका है तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आसानी से खरीद सकते हो। बेंसीसेंस कार चार्जर। ये तो आपको पता ही होगा कि जब आप कार ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको अपने मोबाइल में चार्जिंग पोर्ट कनेक्ट करने में कितनी परेशानी होती है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। खैर, तो हम आपके परेशानी को खत्म करने के लिए लेकर आए हैं बेसस कंपनी के द्वारा बनाया गया बेंसीसेंस कार चार्जर, जो एक छोटा सा चार्जिंग डिवाइस होता है जिसमें USB केबल रोल्ड होता है, जिसे आपको सिंपली अपने कार के पावर इनपुट में प्लग इन करना होगा। तो अब देख लेते हैं इसके मेन फीचर्स को। तो गाइस, दरअसल इस केबल के पोर्ट में एक पावरफुल मैग्नेट लगा होता है, लेकिन उसमें आपको केबल के अलावा 3 USB आउटपुट इंटरफेसेस भी मिलते हैं, जैसे कि माइक्रो USB, टाइप सी और लाइटनिंग। तो आपको सिंपली अपने मोबाइल में इन तीनों में से किसी भी चार्जिंग पोर्ट को प्लग इन करके रखना होगा, जिसके बाद जब भी आपको चार्जिंग केबल की जरूरत होती है तो आपको सिंपली उस केबल को अपने मोबाइल के चार्जिंग पोर्ट के पास ले जाना होगा, जिसके बाद वो केबल मैग्नेटिक पावर की मदद से आपके मोबाइल के चार्जिंग पोर्ट में आसानी से चिपक जाता है, कुछ इस तरह से। साथ ही आप एक ही वक्त उस चार्जर से 2 स्मार्टफोन्स को आसानी से चार्जिंग कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, जहां पर क्लिक करके आप इसके अल्टरनेटिव को आसानी से खरीद सकते हो। सुपरमैन लोगो लाइट। गाइज, हमने पिछले कई वीडियोस में सुपर हीरो प्रोडक्ट्स को कवर नहीं किया था, तो इसीलिए हम इस वीडियो में सुपरमैन फैंस के लिए लेकर आए हैं सुपरमैन लोगो लाइट, जिसमें काफी सारे LED लाइट्स इनबिल्ट होते हैं, जो कि ऑन होने पर काफी अमेजिंग अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। साथ ही ये लोगो सिर्फ शोकेसिंग के काम नहीं आता, बल्कि आप इसे एज ए नाइट लैम्प के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप सुपरमैन के फैन हैं तो आप इस लोगो को amazon.in से परचेज कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लूमोस हेलमेट। बाइक्स में टर्निंग इंडिकेटर्स और ब्रेक लाइट्स पहले से ही मौजूद होते हैं, जिससे कि पीछे आने वालों को इंडिकेट करने के लिए काफी अच्छा सिस्टम होता है। लेकिन बात करें बाइसिकल की, तो उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता जिससे कि आप पीछे आने वालों को आपकी इंडिकेशन बता सको, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने के काफी चांसेस होते हैं। लेकिन लूमोस कंपनी के द्वारा बनाया गया ये हेलमेट आपको एक्सीडेंट होने से काफी हद तक बचा सकता है। वैसे तो ये भी एक नॉर्मल हेलमेट की तरह ही हेलमेट होता है, लेकिन ये काफी स्ट्रॉन्ग हेलमेट होता है, जिसके फ्रंट में आपको LED हेडलाइट और बैक में ब्रेक लाइट में ही टर्निंग इंडिकेटर्स दिए जाते हैं। साथ ही इसे सेटअप करना भी काफी आसान है, तो आपको सिंपली इसके साथ आने वाले वायरलेस रिमोट कंट्रोलर को बाइसिकल के हैंडल बार पर अटैच कर देना होगा, जिसके बाद आप उस बटन को प्रेस करके इंडिकेटर्स को काफी आसानी से ऑन कर सकते हैं। और इसमें लगी हुई बैटरी आपको फुल चार्ज पर 10 घंटे तक आसानी से लाइफ दे सकती है। साथ ही इसे चार्ज करने के लिए आप USB Type-C का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार ग्लास ब्रेकर। गाइज, आप आपके कार में ग्लास ब्रेकर रखते हो कि नहीं? आप में से कुछ लोग तो शायद नहीं रखते होंगे। तो गाइज, कार में ग्लास ब्रेकर रखना काफी जरूरी होता है, तो इस छोटे से ग्लास ब्रेकर को आप 199 रुपीज में खरीद कर अपने कार में रख लीजिए, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में ये टूल आपको काफी काम आ सकता है, जैसे कि कार के विंडो को ब्रेक करने के लिए। वैसे तो इस टूल में कोई खास फीचर्स नहीं होते, बस इसके टिप पर एक नुकीला कीला अटैच्ड होता है, जिसे आप ग्लास पर रखकर प्रेस करेंगे तो ग्लास कुछ ही सेकंड्स में टूट जाता है, कुछ इस तरह से। और इसमें ग्लास ब्रेकर के साथ ही साथ सीट बेल्ट कटर भी दिया जाता है, जिसका यूज करके आप इमरजेंसी सिचुएशन में सीट बेल्ट को आसानी से काट सकते हैं। फैट आयन। आजकल के अनहेल्दी खानों की वजह से काफी लोगों के बॉडी पर अनहेल्दी फैट बढ़ जाता है, जिससे कि फ्यूचर में उन्हें खतरनाक बीमारियों से लड़ना पड़ता है। साथ ही अनहेल्दी फैट को रिड्यूस करने के लिए अच्छे खासे डाइट प्लान और वर्कआउट की जरूरत होती है, लेकिन कुछ साइंस इन्वेंशंस की मदद से आप अपने अनहेल्दी फैट को कुछ हद तक आसानी से कम कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, आपको इसके साथ हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज भी करना होगा। खैर, तो चलिए जान लेते हैं इस फैट आयरन के बारे में। तो गाइज, एक्चुअल में ये एक आयरन होता है, जैसे कि कपड़ों पर इस्तेमाल होने वाला, लेकिन उतना हीट नहीं होता जिससे कि आपकी स्किन जल जाए, बस मीडियम टेम्परेचर तक ही गर्म होता है, जिसे अगर आप अपने बॉडी पर 15 मिनट तक घुमाएंगे तो उस जगह का फैट गर्म होकर धीरे धीरे कम होने लगता है। साथ ही ये आपके बॉडी पर से फैट रिड्यूस करने के साथ ही साथ स्किन को भी फिट करता है, जैसे कि आप बिफोर एंड आफ्टर स्क्रीन पर देख ही सकते हैं।
तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें प्लीज कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। और हाँ, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ चुका है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।